क्या है ना, वैसे ज्ञान नहीं दे रहा हूँ मैं, पर मेरी कोशिश यही रहती है कि जिंदगी और खाना वो हमेशा सिंपल रहे, जितना कॉम्प्लिकेट ना हो उतना अच्छा है। कॉम्प्लिकेट हो जाता है फिर संभालना पड़ता है। तो सिंपल रेसिपीज़ में जो मज़ा है ना, मतलब जो यादें हैं वो कॉम्प्लिकेटेड रेसिपीज़ में नहीं है। तो लोग मुझसे बोलते हैं शेफ गिरी वाली रेसिपीज डालो, मैं बोलता नहीं, यहाँ पर जो है ना सिंपल सादा खाना, मतलब सादी रोटी खाएंगे और मतलब लोगों से जुड़ते जाएंगे वाला सीन है। तो ऐसी एक सिंपल सादी सी रेसिपी है खीर। मतलब अच्छी खीर मिल जाए तो और क्या चाहिए है, कुछ नहीं चाहिए ना। तो अच्छी खीर बनाते हैं, सिंपल सादी खीर। उससे पहले वो सुगम संगीत आ रहा है जो आप स्किप करने वाले हैं, वो भी मतलब स्किप कर दीजिए फिर। Calling and action. तो जी, खीर बनाने के लिए आपको चाहिए दूध और चावल, हैं? तीन चीजों की खुशी है खीर, दूध, चावल और शक्कर। मतलब बोलते हैं ना, सिंपल रेसिपीज आर द मोस्ट डिफिकल्ट टू मेक। तो आज वो एक सिंपल रेसिपी आपके लिए क्रैक कर देंगे। अब आमतौर पे लोग कहते हैं बासमती राइस, बासमती राइस, बासमती राइस। खीर के लिए बासमती राइस यूज नहीं करना, ठीक है? बासमती राइस जो है, मैं हमेशा कहता हूँ ब्रिटल राइस होता है। ब्रिटल समझते हैं आप? ब्रिटल मतलब भुरभुरा। हाँ, तो भुरभुरा चावल नहीं चाहिए अपने को। चाहिए चावल जो कि स्टिकी हो, जो कि खीर को गाढ़ा करे। जो भी आपके पास शॉर्ट ग्रेन राइस हो वो यूज़ कर लें। अगर सोना मसूरी है सोना मसूरी यूज़ कर लें, कोलम है कोलम यूज़ कर लें। अगर आप दक्षिण भारत में सीरक का सांबा है, जीरा राइस जिसको बोलते हैं, वो है तो वो यूज़ कर लें। जो आपका शॉर्ट ग्रेन राइस है, अंग्रेजी में उसे ग्लूटिनस राइस कह देते हैं, वैक्सी राइस कह देते हैं, वो यूज़ कर लें। उससे खीर का टेक्सचर अच्छा आएगा। बासमती राइस इज नॉट गुड फॉर खीर, ठीक है? अभी सवाल ये उठता है कि कितना राइस, कितना दूध। तो एक बेसिक रूल समझ लीजिए, तो अगर आप खीर बना रहे हैं तो 50 से 60 ग्राम चावल, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 60 ग्राम राइस। 60 ग्राम थोड़ी सी गाढ़ी खीर के लिए और 50 ग्राम नॉर्मल खीर के लिए। ये आधा कप है, हाँ? तो इस आधे कप में आप ही समझ लीजिए कि एक चौथाई कप से थोड़ा ज़्यादा, 50 ग्राम चावल का हिसाब आपको लग गया। अभी शक्कर कितनी डालनी है, इसके शक्कर नहीं बताऊंगा मैं, वरना लोग बोलेंगे चलो शक्कर बता दी, चावल बता दिया, वीडियो बंद करो, घर को जाओ। ऐसे थोड़ी ना होता है। शक्कर नहीं बताऊंगा मैं लास्ट तक, ठीक है? अभी राइस को करना है सोक, चावल को धोना है, भिगोना है, सुखाना है, ठीक है? धोना, भिगोना, सुखाना, नहीं ये डिटर्जेंट की ऐड नहीं हो रही, चलिए सुखाना नहीं है, भिगोना है और धोना है, ठीक है? सुखाना भी है, वो किस लिए सुखाना है वो भी बताता हूँ। मैंने कहा लगे हाथ फिरनी भी बता देता हूँ ना, अब खीर बता रहा हूँ तो फिरनी भी बता देता हूँ। तो उसके लिए धोना है, भिगोना है और सुखाना है। तो ये जो चावल है ना, ये चावल हमने धोया, भिगोया और सुखाया हुआ है, ठीक है? और इसको पीस लेंगे फिरनी के लिए। रेशियो वही है, रेशियो क्या है 50, फिरनी में 60 मत करिए। क्यों? क्योंकि चावल जो है वो टूटेगा, राइट? और जब वो चावल टूटेगा तो टूटने के बाद ज़्यादा मिल्क सोक करेगा, मिल्क को ज़्यादा गाढ़ा करेगा, इसलिए 50 ग्राम वर्क्स बेटर। 60 ग्राम्स इज नॉट अ गुड आइडिया व्हेन इट कम्स टू फिरनी, ठीक है जी? तो जी, फिरनी के लिए ये धोया, भिगोया और सुखाया हुआ, ठीक है? और खीर के लिए सिर्फ धोया और भिगोया हुआ। देखो सब कुछ मैं ऐसे नाप तोल के कर रहा हूँ आज, देख रहे हैं आप? ऐसे रणवीर बरार बहुत कम करता है। आज मैं एकदम गुड टीचर मूड में हूँ। मतलब बाद में मतलब वो ये ना कहे कि रणवीर ने दूध ज़्यादा डाला था हमको कम बताया, चावल ज़्यादा डाला था हमको कम बताया। जो है वो आपके सामने वही आज। हाँ, हंसते खेलते जो खाना बन जाए वो अच्छा है साहब। जिंदगी क्या है, चंद मुस्कुराहटों की, चंद दावतों की मोहताज ही तो है। तो ये है जी खस की जड़, ठीक है? खस के शरबत पीते थे ना बचपन में, हाँ, वो वाला खस। तो मैंने सोचा आज जो भी बना ही रहे हैं तो खस की खीर बनाते हैं, खस की जड़ डाल के। बहुत ही बेसिक, सिंपल, इजी है जी, कोई रॉकेट साइंस है नहीं इसमें। इसको दो बार ऐसे पानी में डाल के और निकाल लेना है, ठीक है जी? अब जड़ है ना, अब जड़ है तो मिट्टी होगी। अब ये मलमल, मलमल को जी मैं धो लिया है थोड़ा सा, इसके अंदर माड़ होता है ना वो निकल जाएगा।
नाइस। जब तक दूध उबल रहा था कहानी सुन लीजिए, खीर की, फिरने की कहानी फ्री। तो खीर जो वर्ड है ना, वो वर्ड जो शुरू होता है वो शुरू होता है क्षीरिका से, जो संस्कृत का शब्द है। और बहुत कम ऐसे शब्द हैं जो बिल्कुल कॉमनैलिटी पाते हैं संस्कृत में और पर्शियन में, लेकिन शीर एक शब्द है जो संस्कृत में भी दूध के लिए इस्तेमाल होता है और फारसी में भी दूध के लिए इस्तेमाल होता है। और संस्कृत में उससे एक शीरिका यानी खीर बनती थी, फारसी में उससे शीर खुरमा, शीर ब्रंज यानी कि दूध से बनने वाली तमाम चीज़ें बनती थी। तो वो शीर यानी कि दूध से बनने वाली पुडिंग को हमने धीरे धीरे खीर कहना शुरू कर दिया, तो वहाँ से जो खीर टर्म है वो वहाँ से आया। दूसरा, अगर फिरनी की बात करें तो ये कहते हैं कि फिरनी जो है वो फेरने से बना, कि जब आप पाउडर्ड राइस फ्लावर को दूध में डाल के फेरते थे धीरे धीरे, तो उसको फेर फेर कर बनाया जाता था, तो उससे उसका नाम फिरनी पड़ गया कि फिरी हुई खीर है, बहुत इसको फेरा जाता है। पुराने ज़माने में कहा जाता है कि एक बार खीर बन रही थी, गलती से उसको ज़्यादा फेर दिया तो वो घुट गई, तो बिल्कुल पाउडर हो गई, तब से उसका नाम फिरनी पड़ गया। देखिए, सच है या झूठ, कहानी अच्छी है कि नहीं? और अब ये कौन सा वाला चावल है? ये है भीगा हुआ, धुला हुआ, सुखाया हुआ, पिसा हुआ फिरनी के लिए, 50 ग्राम to 1 लीटर। अब तो रट गया होगा सबको, सबको मैं ऐसा मतलब फिरनी एक्सपर्ट बना दूंगा ना, बाय गॉड की कसम, सब फिरनी एक्सपर्ट बन जाएंगे। साथ में थोड़ी केसर डाल लेता हूँ इसके अंदर, ब्यूटिफुल। अब ये जो फिरनी का राइस पाउडर है ये जाएगा दूध के अंदर। और बहुत लोग मेरे को बोलते हैं, रणवीर यार खीर बड़ी हैवी हो जाती है यार, क्या मतलब क्या करें, स्किम मिल्क यूज़ करें? स्किम मिल्क यूज़ मत करो, एक काम करो आप, फुल फैट मिल्क यूज़ करो और 70% मिल्क 30% वाटर कर लो, ताकि थोड़ा हल्का हो जाए, लाइट हो जाए। लेकिन प्लीज़, ये टोंड डबल टोंड वाली खीर में ना स्वाद नहीं होता। जो खीर की रज़ाइत रिचनेस होती है, जो चावल के रूखेपन को बैलेंस के लिए वसा वो चर्बी चाहिए होती है, इसलिए यूज़ करो फुल क्रीम मिल्क, 30% पानी मिला लो, चाहे चलो 35 मिला लो। ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल हो गया जी, ब्यूटिफुल। देखिए, लग रहा है कि खीर गाढ़ी है, टेंशन मत लीजिए। फिरनी भी लगेगा कि गाढ़ी है, उसकी भी टेंशन मत लीजिए, क्योंकि जैसे ही उसके अंदर शक्कर जाएगी, शक्कर अपना पानी छोड़ेगी और ये पतली हो जाएगी, ठीक है? लग रहा था ना इतना कम चावल, इतना ज्यादा दूध, बहुत नाइंसाफी है, लग रहा था ना? कोई नाइंसाफी नहीं है, देख लो। देखिए, एज अ बेसिक रूल, अगर आप मेरी तरह कम खा लेंगे लेकिन मीठा कम नहीं खाएंगे, तो भाई जितना चावल उसकी डबल शक्कर, 50 ग्राम चावल था तो 100 ग्राम शक्कर। जब आपकी खीर ऑलमोस्ट रेडी हो जाए या फिरनी ऑलमोस्ट रेडी हो जाए, चावल बिल्कुल पक जाए, जितना गाढ़ापन आपको चाहिए उतना गाढ़ापन आपको मिल जाए, उसके बाद ही शक्कर डालनी है। अगर आपने शक्कर पहले डाल दी तो चावल नहीं पकेगा, और आप कहेंगे रणवीर आपने बताया नहीं, रणवीर ने बताया था खीर बनाते हैं तो फिर उसमें शक्कर लास्ट में डालते हैं, चावल के पकने के बाद। शक्कर जो है वो चावल से पानी खींचती है, चावल को पकने नहीं देती, और खीर में अगर चावल को बाइट करना पड़े तो वो खीर किस बात की हुई? और ये फिरनी को अगर आपने फेरा नहीं तो वो फिरनी किस बात की हुई? ये देखिए, तब लग रहा था ना कि यार 50 ग्राम सिर्फ इतना सा पाउडर, अभी आप ये देखिए, बेसिकली 5% चावल और 5 से 10% शक्कर। किसी ने खीर को ऐसे ब्रेक डाउन करके बताया कभी? नहीं बताया ना। अब खीर में अगर आप फेल हो गए ना, तो फिर मतलब एक्स्ट्रा ट्यूशन दे दूंगा मैं, फिर और क्या बोलूं। और जितनी गाढ़ी आपको लग रही थी ना फिरनी, वो सब पतली हो जाएगी जैसे ही शक्कर जाएगी, बिकॉज शक्कर अपना पानी छोड़ेगी, अंग्रेजी में लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। एक और चीज़ क्या करना है, शक्कर डालने के बाद उसको कम से कम एक उबाला ज़रूर देना है, शक्कर को पकाना बहुत ज़रूरी है। शक्कर लास्ट में डालनी, इसका मतलब ये नहीं है कि चलो गैस बंद करो, शक्कर डालो, घोलो और हो गया, नहीं। शक्कर का पकना बहुत ज़रूरी है, शक्कर जब पकती है तो रिचनेस देती है, शेल्फ लाइफ देती है और एक चमक देती है, ठीक है? तो ऑलवेज कुक द शुगर आफ्टर यू ऐड द शुगर, डोंट कुक इट टू मच बट कुक इट। हेलो जी, खस की खीर। गर्मियों में ना ये खस की खीर बहुत कमाल की है। खस जो है वो ठंडा होता है ना, तो पेट को सेटल करता है, शरीर को ठंडक देता है,
इसलिए जी सर्दियों में केसर खाओ और गर्मियों में खाओ खस। क्या होता है ना, देखिए खीर तो फिर भी ठीक है, लफड़ा होता है फिरनी में। फिरनी में हमको चाहिए होती है परफेक्ट कंसिस्टेंसी, एकदम कस्टर्ड जैसा फील, है ना, वहाँ पे अंदाज़ा नहीं चलता। इसलिए फिरनी में, मतलब खीर में फिर भी आप थोड़ा 20 का 21 कर लीजिए, फिरनी में नहीं। फिरनी में अगर वो टेक्सचर चाहिए, जूसीनेस चाहिए, वो एकदम स्पंज वाला फील चाहिए, तो फिर 1 लीटर 50 और 100। ओके, तो ये बहुत सिंपल है जी। देखो फिरनी बनाना सीख गए आप, रेशियो सीख गए, प्रोपोर्शन सीख गए, खीर बनाना सीख गए। एक चीज़ रहेगी, अभी सिखा देता हूँ, गुलत्थी। ऐसी रेसिपी, मतलब जिसके बारे में एक मिनट लगा के ज़रा सुन लीजिए, बड़ी इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है, सुन लीजिए ना। गुलत्थी की जो कहानी है वो फैसिनेटिंग इसलिए है कि हमारे लखनऊ में ना, जब हम छोटे तो बड़ा सेलिब्रेट किया था। अगर आपको फिरनी पता है, खीर पता है, गुलत्थी नहीं पता है, हम गुलत्थी खिलाते हैं। फिर धीरे धीरे जब आप पढ़ते हैं तो आप ये रियलाइज़ करते हैं, गुलत्थी जो है वो एक्चुअली बुजुर्गों का खाना होता था। बुजुर्गों को पके हुए चावल एक तरह से कौंजी बना के जो दिए जाते थे उसको गुलत्थी कहते थे, और नमकीन गुलत्थी होती थी, फिर धीरे धीरे मीठी गुलत्थी होने लगी। गुलत्थी का गुल से कोई कनेक्शन नहीं है, फूल से कोई कनेक्शन नहीं है, बट इमेजिन एक इनवैलिड फूड जिसको हम बोलते हैं कि बीमारों का खाना इस कदर सेलिब्रेट किया जाए कि वो खीर और फिरनी जैसे आइकन्स के बगल में आके खड़ा हो जाए। वो कहते हैं ना कि दस्तरखाने आम से दस्तरखाने खास तक की जर्नी कुछ डिशेज यूं कवर कर लेते हैं और बाद में कहानी जो है वो छुप जाती है। तो गुलत्थी की कहानी ये है कि भाई बुजुर्गों का आसानी से पचने वाला खाना था और आज सेलिब्रेट हो रहा है। तो कहने को तो बस तीन चीज़ें हैं ना, बस तीन चीज़ें, दूध, शक्कर और चावल। और सोचने जाओ तो कितनी लंबी लंबी कहानियाँ हैं, हाँ, खीर की, फिरनी की, गुलत्थी की। मेहनत कुछ नहीं, सिर्फ क्या है, मोहब्बत। दिस इज़ लव, इफ़ दिस इज़ नॉट लव व्हाट इज़ लव, बताइए मेरे को, हाँ, नीचे कमेंट्स में लिख के बताइए व्हाट इज़ लव इफ़ दिस इज़ नॉट लव। और बनाइएगा ज़रूर, अगर आप बगैर सब्सक्राइब किए बनाएंगे तो आप फिरनी की मोहब्बत जिंदगी भर नहीं पा पाएंगे। जाइए सब्सक्राइब कीजिएगा, थैंक यू वेरी मच, लॉट्स एंड लॉट्स एंड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव। याद रखिए, जितनी सिंपल डिश उतनी बारीकियां और उतनी मेहनत ज्यादा, द सिंपलर द बेटर। तो जी एक ज़रूरी सूचना, अगर आप अंत तक वीडियो देख रहे हैं तो पहले तो थैंक यू वेरी मच पूरा वीडियो तसल्ली से देखने के लिए। दूसरा, अब मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि आप जो अक्सर सवाल पूछते हैं, रणवीर आपके किचन में ये सामान कहाँ से मिलता है, ये कहाँ से मिलता है, आप कौन सी किताबें पढ़ते हैं, या इस रेसिपी के इंग्रीडियंट्स कहाँ से मिलेंगे, सारे सोल्यूशन जो है नीचे हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं। आपको करना कुछ नहीं, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में जाना है और वहाँ पर ये देख लेना है कि रणवीर कौन सी किताबें पढ़ता है, ऑर्डर कर सकते हैं आप, कौन से बर्तन यूज़ करता है वो भी ऑर्डर कर सकते हैं, और इस रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स भी ऑर्डर कर सकते हैं। सारी प्रॉब्लम मैंने आपके लिए सॉल्व कर दी।